सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशिका ने फौजा गरीब नमाज, आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए आज पहले दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए और अंदर की मंजर देख लीजिए। और ये देखिए हमारी सब्सक्राइबर इंशाल्लाह ये शाहजानी में मिल गया है भाई साहब, कल भी मिले थे भाई साहब गेट की बाहर है, और आज इन लोगों को लेके आज शाहजानी में मिला है, तो मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और ये लोग घर बैठ के अपना वीडियो देखते हैं, दरबार शरीफ जियारत करता है माशाल्लाह। आइए पूछते हैं इनको कैसे लगता है। जी भाई साहब कैसे लगता है वीडियो? बहुत अच्छा लगता है, दिल को इतना सुकून मिलता है सरकार के वीडियो देखने से, बिल्कुल जन्नत मानो जी माशाल्लाह। क्या हकीकत पाने देखिए, जन्नत है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ना रखे, यहाँ जन्नत मानो माशाल्लाह। देखिए कितना भरोसा है, माशाल्लाह। ये खासा साहब की करम है, जिनको दीवाना बना था अपना बना लेते हैं आप लोग। हम आप हमें वीडियो दिखाते हैं, बिल्कुल लगता है अजमेरी में है, रहते हैं अपने घर में, लेकिन दिल हमारा यही होता है। दिल यही होता सरकार की नमाज में माशाल्लाह। देखिए आपका बहुत बड़ा करम है सरकार की नमाज का, जो हमें आप ज़ियारत कराते हैं रोज माशाल्लाह। देखिए भाई कितना अकीदा थे, घर बैठे हम लोग ज़ियारत करते हैं और सरकार की लाइव देख लेते हैं डेली की डेली रोज का रोज माशाल्लाह। उनका भी और आपका सरकार, सुभान अल्लाह क्या बात है भाई, कितना अकीदा थे देख सकते हो आप। और हमारे ऊपर बहुत सपोर्ट है इनकी, भाई साहब ने बहुत सपोर्ट करता है, अपने वीडियो को शेयर भी करवाते हैं। और हम लोग सब रसूलाबाद से आए हैं, हम भी रसूलाबाद के हैं, ये हमारे लल्ला रिजवान भाई है। अच्छा अच्छा, ये हमारे भांजे रवि भाई हैं, ये हमारे साले साहब सैदान भाई कन्नौज से हैं। जी और जी, ये समझो आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे, देखो हमने पहली बार आपको पहचान लिया कल माशाल्लाह। ये खाली साहब का करम है जी जी, हाँ हमारा जाना आप कहा ना, ये देखिए करम सरकार की नमाज का माशाल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह से आए हैं, आपसे मुलाकात करते रहेंगे सरकार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपसे मिल गए, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर आपको हमसे ऐसे मिलना है तो मिल सकते हैं इंशाल्लाह, सबसे हम मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाईजान, तो दरगाह शरीफ घुमा देते हैं। ठीक है ओके अस्सलाम। तो आइए ये देख लीजिए शाहजानी मस्जिद के अंदर की मंजर माशाल्लाह, आज कितना जारी है आप देख सकते हो। आज दिन है संडे का दिन, ये देख सकते हो ये 10 नंबर गेट है बाहर से आने जाने का। ठीक है तो आइए आमदन के दरबार शरीफ दिखा देते आपको। इधर देखिए आमदन के दरबार शरीफ, ये देखिए जियारत कीजिए आप आमदन के दरबार शरीफ। और इधर से मशक ढला जाता है, देख लीजिए इधर का मंजर कैसा है। और ये देखिए बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ, आगे चलिए आगे का मंजर और दिखाते हैं। तो ये देखिए मंजर, चलिए अभी आस्था से 4 नंबर गेट भी देख लीजिए। आइए ये देखिए ये आस्था से 4 नंबर गेट, जियारत करके बाहर आने का गेट देख सकते हो आप। जियारत कीजिए, दुआ मांग लीजिए। चलिए और आगे चलते हैं। आज संडे का दिन है, देखिए आज संडे कितना ज़ायरीन दरगाह शरीफ के अंदर है, किसे लोग ज़ियारत कर रहा है। और ये है जन्नती दरवाज़ा, जन्नती दरवाज़ा आप ज़ियारत कीजिए। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं हमसे मिलने तो आपसे भी हम इंशाल्लाह इस तरह मिलेंगे जब भी आएंगे। देखिए आज की मंजर, सुबह सुबह का टाइम है, आज भी वही 9:45 बजे आया हूँ दरगाह शरीफ में। ये देखिए आस्था शरीफ को 3 नंबर गेट अंदर दाखिल होने का। चलिए आगे चलते हैं। आइए अभी आप पाइते से आस्था से जियारत कीजिए, जहाँ पर आप कदम उसी करते हैं दिखाता हूँ। और आइए जियारत कीजिए, दुआ मांग लीजिए। चलिए और आगे चलिए, ये देखिए कव्वाली चल रहा है यहाँ पर, कव्वाली के यहाँ का मजमा देख लीजिए आप माशाल्लाह। देख सकते हो आज पाइथी में कितना जारी है,
किस तरह यहाँ के चहल फहल है देख लीजिए आप। आइए पायदी से गुंबद शरीफ देखिए, सुभान अल्लाह। चलिए और आगे चलते हैं। अब ये आता नूर का मंजर देख लीजिए आप, आज आता नूर में कितना जायरीन है देखिए। देख लीजिए आता नूर में कितना जायरीन है। आइए अभी आता नूर से आस्था सिर्फ जियारत कीजिए, जहाँ पर आप फूल चादर पेश करते हैं और दुआएं मांग लीजिए। चलो फिर आगे चलते हैं, देख लीजिए पूरे आता नूर का मंजर कैसे है, आज कितना जायरीन यहाँ पर है, किस तरह का माहौल है आप देख सकते हो। ये देखिए अम्मा जन के दरबार शरीफ, इधर से भी जियारत कीजिए आप। ये संदली मस्जिद है, चलो आगे चलते हैं। अब ये सुबह सुबह का टाइम है। सलाम अलैकुम जी, देखिए तो अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, 8:30-9:30 बज रहा है, देखिए अभी इस वक्त कितना जायरीन है। और आज अच्छा खासा धूप भी निकला हुआ देख सकते हो आप, धूप तेज़ है, यानी बहुत मज़ेदार वाला धूप है, सर्दी का टाइम माशाल्लाह, मौसम बहुत बढ़िया है। ये देखिए बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट, लंगर खाना गेट। आज भी में ठंड है लेकिन इतना खास नहीं है, ठंड तो है लेकिन इतना खास नहीं है, खास हमें इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमें आदत पड़ गया। अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो आप लोग गर्म कपड़ा का इंतज़ाम करके ज़रूर आना। ये देखिए बड़ी देख, और इधर ये देखिए छोटी देख, ये बुलंद दरवाजे के नीचे का चल फल। तो अजमेर का जो ठंड है हमें तो बर्दाश्त होता है क्योंकि हम यहीं रहते हैं, हमें बर्दाश्त हो जाता है, लगता नहीं ज़्यादा ठंड। आप लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप लोग गर्म कपड़ा का इंतज़ाम करके ज़रूर आना, ऐसे राजस्थान हरियाणा दिल्ली में थोड़ा ठंड ज़्यादा पड़ता है। आइए ये देखिए आप बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट, और इधर देख लीजिए अकबरी मस्जिद। चलिए बिल्कुल बाहर की तरफ चल रहा हूँ। ये देखिए बाहर से अंदर दाखिल होने का मेन गेट, ये निजाम गेट, इसको जो है कोई कोई बुलंद दरवाजा बोलता है लेकिन ये बुलंद दरवाजा नहीं, ये निजाम दरवाजा है। देखिए निजाम दरवाजा दरगाह बाजार, देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए दरगाह बाजार, देखिए मौसम बिल्कुल क्लियर है, धूप निकला हुआ है।
ये देखिए नाला बाजार के मंजर है, नाला बाजार के रास्ते का मंजर माहौल देख लीजिए। तो रेलवे स्टेशन से आना जाने का रास्ता है, और आप इधर ये देख लीजिए ढाई दिन के झुपड़ा तारागढ़ जाने वाला रास्ता की मंजर। और ये आप देखिए दरगाह बाजार जी, थोड़ा सा दरगाह बाजार का भी नज़ारा कर लीजिए। ये देखिए ये दरगाह बाजार की चहल पहल। तो दरगाह बाजार मैं यहीं तक हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। आइए यहाँ से मेन गेट देख लीजिए, सुभान अल्लाह। ये देखिए मेन गेट, और इस गेट का नाम है निजाम गेट। बहुत सारा लोग इसको बुलंद दरवाज़ा बोलता है, ये बुलंद दरवाज़ा नहीं, बुलंद दरवाज़ा अंदर चल के है, ये निजाम दरवाज़ा है और गेट नंबर एक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हुजूर गरीब नवाज के हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो।